अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम सब सोकर उठ चुके हैं और आज लेट उठे हैं क्योंकि बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि अभी अभी इन लोगों के पेपर हुए हैं। और यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, मगर चाय से पहले मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया क्योंकि बर्तन मेरे काफ़ी सारे गंदे थे और आप लोगों को पता है आजकल टैंक में से पानी निकाल के फिर मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले बर्तन धोए, ये लोग सारे गली में निकल गए, तो बर्तन वगैरह धोए, सफाई की है, सारा काम फारिग करने के बाद फिर अब मैंने चाय चढ़ाई और नईम को मैंने ब्रेड लेने के लिए भेजा है। तो यहाँ काफ़ी सारे मेरे कपड़े भी इस्त्री हैं, मगर अफसोस कि इनको काटने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। रात को मैंने एक शर्ट सिलाई की थी तो वो भी सिलाई पर आई हुई है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पैंट के साथ बड़ी खूबसूरत सी एक शर्ट तैयार की गई है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी सारे धुल गए हैं ये देखें, और यहाँ मेरे पतीले भी जगमग जगमग कर रहे हैं, और अभी हमारी चाय भी बन रही है। बस जैसे ही नई ब्रेड लेकर आते हैं, ब्रेड और अंडे बनाऊंगी मैं, और सैन भी मैंने सारा धो लिया है। ज़ाहिर है यहाँ पे बैठ के जब बर्तन धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है पूरे सहन में, तो सहन भी सारा मेरा धुल चुका है। और अभी नईम भी चले जाएंगे अपने काम पर और बच्चे तो दोपहर में जाएंगे मदरसे, और पता नहीं बच्चों की कितने दिन की छुट्टी दी है। वैसे तो स्कूल वाले हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैसेज कर रहे होते हैं, और आज जो है ना इन्होंने छुट्टी का मुझे मैसेज किया ही नहीं। मुझे बच्चों ने कहा कि मम्मा हमारी ना छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैंने सुबह अलार्म लगा दिया, और जब अलार्म बजा तो मैं उठी और फिर मैंने स्कूल मैसेज करके मैंने पूछा कि आज आना है या छुट्टी है, तो कहने लगे कि आज छुट्टी है। तो हुआ ये कि रात के बचे हुए काफ़ी सारे चावल और दाल अभी भी मेरे पास हैं, क्योंकि रात में मानो जल्दी सो गई और खाना वगैरह शाम में बस उसने खाया जो खाया, बाकी रात में नहीं खाया। और रात में तो मैंने भी नहीं खाया खाना क्योंकि नईम लेकर आ गए थे गोलगप्पे, तो हमने गोलगप्पे खा लिए और खाना मैंने भी नहीं खाया। और नईम ने खैर खाना खाया था, मगर फिर भी हमारे काफ़ी सारे दाल और चावल रखे हुए, तो आज तो इंशाल्लाह वही चल जाएंगे। और आज ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करने की कोशिश करूँगी मैं कि सिलाई का अपना काम ख़त्म करूं। बहुत ज़्यादा सिलाई माशाल्लाह जमा हो गई है, और ये भी मुझे साथ साथ सीनी है। तो चलें फिर नई ब्रेड और अंडे लेकर आते हैं, तो फिर हम वो भी नाश्ता अपना तैयार करते हैं। नाश्ता हमारा बन चुका है और हसन का चाय का लगता मूड हो रहा है, और ये रही मेरी ब्रेड जिसे मैंने गरम किया है, और कुछ मैं वैसे ही लेकर आई हूँ, अगर किसी ने मक्खन वगैरह लगाना हो तो वो लगा लें। और ये रहे अंडे, और अंडे माशाल्लाह 30 रुपए का एक अंडा हो गया और 2 अंडे मेरे हाथ से छूट गए, 2 अंडे खराब हो गए, टूट गए, तो जाहिर है हमारे लिए तो खराब ही हो गए ना कि गिर गए तो। और दूसरों के लिए खुश हो गए, दूसरे खुश हो गए। कौन दूसरा खुश होंगे जो वीडियो देख रहे हैं? जी नहीं, वो भी खुश नहीं होंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा फ्रूट केक भी दिया है बच्चों को खाने के लिए। चाय पीनी है? अच्छा भाई चाय पिला दो भाई हसन को, और चलें फिर हम करते हैं नाश्ता। आज हमारे घर में आए हैं छोटे छोटे से मेहमान, प्यारे प्यारे से मेहमान। हसन भैया को पकड़ने दो, चलो अब इनको पप्पा कर दो, हसन पप्पा कर दो, इनको पप्पा कर दो, पप्पा कर दो। अरे मामा का खगरा मार रही है, पप्पा कर दो भाई, पप्पा कर दो। अरे वाह, पप्पा कर दो, पप्पा कर दो, पप्पा कर दो। अरे पहले हमारे पास फार्मी थे, वो थोड़े बड़े हुए तो फिर हमने किसी को दे दिया, और अब हम लेकर आए हैं देसी, और ये बड़े क्यूट से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये लड़की है लड़का? अभी कुछ पता नहीं है लड़की है कि लड़का, अभी ये बहुत छोटा है। कितने नाजुक से हैं, लड़की लड़का है। लड़की मेरे को डर लगता है कि ये काट सकते हैं। ओ, वो यहाँ पे आ रहे हैं।
पिछली बार अच्छा हसान को इतनी समझ नहीं आ रही थी तो ये मार रहा था वैसे इनको ना, लेकिन इस दफा बड़े प्यार से इनको उठा रहा है। ये पारा बेबी है, ये हमारा बेबी है, ये हमारा चोना चा बेबी है, ये मेरा पारा चा बेबी है। हसान पागल हो गया, हसान पागल हो गया। हसान पार करो इनको, पप्पा कर दो, पप्पा कर दो भाई, पप्पा कर दो छोटे छोटे से बेबी को। कल भी इसको नहीं लेके गए, छुप के जा रहे थे ना, अभी भी मैंने जबरदस्ती दे दिया। बच्चे आ गए मदरसे से और इनका यहाँ खाना चल रहा है, कल वाले दाल चावल। और मानो यहाँ अपनी स्लाइम के साथ भी खेल रही है और कह रही है मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगी। मानो ये क्या बना रही है, ऑरेंज ऑरेंज सा पिज़्ज़ा बना। हाय गाइस, ये देखें हमारे गोलगप्पे आ गए। रात को मैंने अकेली ने खाए थे और अजान को मैंने सुबह बताया तो ओहो अजान का तो बड़ा दिल ललचाया। और नईम ने अब तक अपने दिल में बात रखी हुई थी और देख फटाफट लेकर आए। और अभी हम मज़े ले कर ये खाएंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे ले लो। ये इसमें मीठी वाली चटनी भी अब डल रही है और बड़े मज़े के ये वाले गोलगप्पे हैं। इमली की चटनी मीठी वाली। मज़ेदार, यमी। मैं तो दिल कर रहा हूँ मैं अभी अभी सारे खा जाऊँ, लेकिन जब मैं खाऊंगा तब मिर्ची बहुत होगी। इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं होती है, असल में इन लोगों को आदत नहीं है ना मिर्ची की। कौन सी वाली रह गई? एक्स्ट्रा है हमारे पास, हम एक्स्ट्रा डालेंगे इसमें, मज़े लेके खाएंगे। हमारे गोलगप्पे हो गए हैं तैयार और बहुत ही मज़ेदार। और मैंने गिलास में इसलिए डाला है क्योंकि गोलगप्पा जो है ना पूरा डबोगे मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पिए जाता, तो इसीलिए मैं साथ में पहले गोलगप्पा खाती हूँ फिर उसके बाद ऊपर से गिलास से ये जो है ना पानी पीती हूँ। और ये हसान ने भी पिया है, मानो को भी पिलाओ, मानो ने भी पीना था, मानो पी लो। पी गई है तो हम लोग समझ रहे थे नहीं पी सकेगी। खाओ अजान खाओ। ओ क्या हुआ? लो नहीं नहीं खा लो अजान, मानो को भी दे पानी। भाई मैं अगर शुरू हुई ना तो फिर मैं नहीं रुकूंगी, मैं बता रही हूँ इसलिए खाओ। तुम खाओ खाओ खाओ, पहले तुम खाओ। नहीं तुम खाओ। अरे खाओ ना, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ ना। हाँ, कम क्यों नहीं लगे ये? यमी दोनों हाथों से पकड़ो हसान, दोनों हाथों से पकड़ो। ये काटता है गैला, गैला काटता है जी? नहीं हाँ जी, अभी मेरे पे हमला कर रहा था। ओ यही तो तेरे पे हमला करेगा है ना? नीचे चेक कर रहा, किसी ने उठाया। आराम से उठाया करो, ज्यादा जोर से नहीं दबाया करो, इनको लगती है वरना। हसान
कान पकड़ के निचोड़ ही रहता जैसे जूस नहीं होता उसे वो पहले दोनों को साथ में अब जोड़ के रखेगा ताकि भैया ना ले सान ओ उसको निचोड़ा नीचे मेरे से भी रखे जाता खटा जाना आगे से आता था उसे पकड़ ही नहीं जा रहा आसान इधर देखो मुझे नहीं पता जितनी खानी है उतनी डाल लो पेट फुला रहा कि भागेगा अब मेरी तरह देखो आप पकड़ के डालना ऐसे नहीं ऐसे कलो ना ऐसे कलो ऐसे कल के रखो ऐसे कल के अब पकड़ो पकड़ लो ऐसे ही पकड़ लो अपने पास ऐसे इधर देखो आसान मेरी तरह देखो ये जो पाँव के पास चलते हैं ना आसान भैया के यहाँ पे बिठाओ भैया के बिठाओ अपने साथ लगा लो अपने साथ लगा लो पप्पा कर दो इसको आसान इसको पप्पा कर दो पप्पा करो पप्पा करो पप्पा कर दो ना दूसरा बेचारा मजदूर वो देखो मजदूर चलो जी यहाँ हो गया है खाने का टाइम और यहाँ दाल चावल चल रहे हैं नहीं क्या और बच्चे खेल रहे हैं और मानो आपने भी अगर खाना खाना है तो खा लो पापा के साथ तो इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज बाय हसन बाय बाय कर दो बाय चलो जी यहाँ हो गया है खाने का टाइम और यहाँ दाल चावल चल रहे हैं नहीं क्या और बच्चे खेल रहे हैं और मानो आपने भी अगर खाना खाना है तो खा लो पापा के साथ तो इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज बाय हसन बाय बाय कर दो बाय।